खबर बलिया जनपद से है, जहां प्रधान द्वारा गांव में किए गए काम की जांच करने अधिकारियों की टीम पहुंची। आपको बता दें, गांव के कुछ लोगों ने प्रधान द्वारा कराए गए कार्यों के अधिकारियों से शिकायत की थी। वहीं अधिकारियों की टीम द्वारा जांच को लेकर शिकायतकर्ता ने कहा, गांव में जांच करने आए अधिकारी आधी अधूरी जांच कर वापस लौट गए। वहीं प्रधान पर भी 5 साल से काम नहीं करने का शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया। यही नहीं, प्रधान के घर ही कोटे की दुकान पर राशन कम देने का भी आरोप लगाया। वहीं प्रधान ने शिकायतकर्ता द्वारा अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। बलिया जनपद से दीपक सिंह, सचिव की रिपोर्ट। ग्राम सभा शिवपुर देव सोमाली, प्रधान प्रतिनिधि अनिल यादव। हमारे यहाँ के प्रत्याशी है नए लड़ने वाले प्रधान के, तो वो दरखास्त दिए थे कि प्रधान जी कोई काम नहीं कराए हैं शिवपुर देव सोमाली में। यहाँ जांच अधिकारी बलिया से आए थे, वो गांव में घूमकर शिकायत करता है, जो घूम कर गांव की सड़कों को दिखाया, गांव के जनता से पूछा तो देखा कि सभी सड़कें पाई गई और नापी भी हुआ। और यहाँ वो अपने दरवाजे पर पंचायत भवन और रैन बसेरा दोनों कब्जा किया हुआ है, अपने ट्रैक्टर और गाड़ी उसमें अनाज रखता है। हम कल CDO साहब से दरखास्त के माध्यम से ये बताएंगे, ये निवेदन करेंगे कि वो पंचायत भवन और रन बसेरा खाली कराया जाए। ग्राम सभा की पंचायत भवन है, वो कब्जा किया हुआ है। हम पूरा संतुष्ट हैं, वो जांच हुई है, दूध का दूध पानी का पानी। गांव के कुछ लोग हैं जिनका आरोप है कि आप ही के प्रधान जी ऐसा कोटा है। ऐसा है कि अनिल यादव की पत्नी ममता यादव के नाम से कोटा है। अनिल यादव हमारे दयाद में के है, क्या ऐसा सर्कुलर है क्या? नहीं, अनिल यादव हमारे घर के नहीं है, हम उनका घर अलग है, हमारा घर अलग है। गांव वाले कह रहे हैं कि गांव वाले कहना है, गांव वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, जानता कहे तब ना। ये भी आरोप है कि कोटा बनते ही नहीं है, आधे लोगों को ही कोटा दे राशन। ऐसा है कि आज तक किसी जनता से किसी गांव में विपक्ष छोड़कर, दो विपक्ष छोड़कर, जो प्रधान पद के प्रत्याशी इन लोग को छोड़कर पूरा गांव की जनता से पूछ लिया जाए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगी तो फिर हमें प्रधान नहीं बनाएंगे सर। राशन 5 किलो पर यूनिट, 5 किलो, 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं पर यूनिट, 5 किलो, डेट फिक्स है। वो लोग का आरोप गलत है, बेबुनियाद है। वो लोग ग्राम सभा की जमीन में बसे हुए हैं, इसी के लेकर वो लोग आरोप लगा रहे हैं। मेन मुद्दा यही है, दोबारा जांच हो जाए, तिबारा जांच हो जाए, उससे क्या हमें दिक्कत है भाई। नाम हरेंद्र कुमार यादव है, मैं इस ग्राम सभा को शिकायत करते हैं। क्या मामला है? आज सरकारी अधिकारी आए हैं यहाँ, गांव में भीड़ लगा है, मामला बताया। सर, मामला ये है कि मैं ग्राम प्रधान को जांच के लिए 5 वर्ष का वाय विवरण के लिए, तो आज 8 तारीख को डेट लगाया गया। बलिया से जो अधिकारी आए डायरेक्ट वो प्राइमरी स्कूल पर गए। कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि दोनों पक्ष के एक साथ वो नहीं लाए हैं, जो कि प्रधान के लिए हम व्यक्तिगत दिए थे कि हमारे ग्राम सभा में जो प्रधान जो कार्यकाल में एक प्रडे दिन कोई काम नहीं किया है, 5 वर्ष में एक भी काम नहीं किए हैं। मेन बिंदु हैं रास्ता, नली, गांव का हेडपम्प है जो बोर होता है मशीन का, जो लाइट का है स्ट्रीट लाइट का, वो यहाँ से आए डायरेक्ट भग गए। तो फिर हम CDO साहब के, DPRO साहब के, भूमि निरीक्षण अधिकारी से मिलेंगे, कहेंगे कि साहब हम जो आप अधिकारी जो बनाकर आप भेजे हैं जिला से, आपके अधिकारी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि आए हैं तो दोनों पक्ष की एक साथ लेकर बात करना चाहिए, नापी करना चाहिए, जांच करना चाहिए, क्योंकि हम एक ही पक्ष होकर जो हम शिकायत करता है, हम अपना ही पक्ष रखे हैं, क्योंकि यहाँ प्रधान से ना पूछा गया है, नहीं उनके दरवाजा गया है, डायरेक्ट ये लोग भाग गए जिला पे।